वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने इस वीडियो के दो पार्ट बनाए हैं, तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पिछला पार्ट जाके देख लीजिए, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। आइए जानते हैं दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसके लॉन्च के बाद दुबई की चमक धमक और भी बढ़ जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, इंडीड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत। नंबर 4, हाइपरलूप। हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है, वो भी बहुत कम खर्चे में। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जिसमें छोटे छोटे कैप्सूल्स में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस्ड है, यानी इसमें किसी भी तरह का फ्यूल का यूज नहीं किया जाता। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल्स 11,023 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करेगी। ये स्पीड कई एरोप्लेन से भी ज्यादा है, जबकि इसके चलने से अंदर बैठे लोगों को किसी किस्म का शोर सुनाई नहीं देगा। इस हाइपरलूप को दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक घंटे के इस सफर को सिर्फ 12 मिनट में पूरी कर लेगा। नवंबर 2020 में हाइपरलूप का सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया जा चुका है। हाइपरलूप को बनाने का कॉस्ट 225 करोड़ पर किलोमीटर बताया जा रहा है, यानी सिर्फ दुबई से अबू धाबी तक का हाइपरलूप बनाने में इसका कॉस्ट तकरीबन $2 बिलियन होगा। ये तो हो गई हाइपरलूप जो दुबई से अबू धाबी को कनेक्ट करेगा। इस हाइपरलूप की बात यहीं तक खत्म नहीं होती, क्योंकि हाइपरलूप को दुबई से इंडिया तक भी बनाया जाएगा। जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के एक डील जिसमें ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ है, जिसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दुबई और इंडिया के मुंबई को जोड़ने वाली यह टनल समुन्द्र के अंदर बनाया जाएगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगी और 2 ही घंटे में मुंबई से दुबई पहुंचा जा सकेगा। यह टनल समुन्द्र के बॉटम पर नहीं बल्कि समुन्द्र की सतह में ही तैरता रहेगा, और ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफर के साथ साथ समुद्री दुनिया भी देख सकेंगे। इस टनल के अंदर 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन दौड़ेगी, और इस अंडर वाटर टनल के जरिए दोनों देशों के लोग तो सफर करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ऑयल को भी कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। आप इस अंडर वाटर टनल के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ में बनने वाली ये है दुबई अलादीन सिटी। यह प्रोजेक्ट अलादीन और उसके जिन की स्टोरी पर इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है, जहां सारी बिल्डिंग के डिजाइन आपको अलादीन के चिराग से मिलती हुई नजर आएगी। हर बिल्डिंग एक दूसरे से कंडीशनली जुड़ी हुई रहेगी। अलादीन सिटी में होटल्स, ऑफिसेज, शॉप, फ्लैट्स तो होंगे ही, साथ ही साथ इसमें 900 कार पार्किंग, हेलीपैड की भी सुविधा होगी। यह प्रोजेक्ट दुबई गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 1.8 बिलियन का खर्चे का अनुमान लगाया जा रहा है। नंबर 6, जुमेरा बे आइलैंड। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मैनमेड आइलैंड, जिसकी एक जीती जागती एग्जांपल है दुबई में पाम जुमेरा आइलैंड। यह पाम जुमेरा आइलैंड का डिजाइन बिल्कुल पाम के पेड़ की तरह बनाया गया है। इस आइलैंड को 2007 में ही रेडी कर लिया गया था, जिसके बाद लोग यहां आकर रहना स्टार्ट कर चुके हैं। इस आइलैंड को बनाना इतना भी आसान नहीं था। इसका कंस्ट्रक्शन में रेत और पत्थर का यूज करके इस आइलैंड को समुन्द्र में बनाकर तैयार किया गया था। पाम जुमेरा को बनाने में तकरीबन 1 बिलियन का खर्चा आया था। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरा के कामयाबी के बाद दुबई गवर्नमेंट एक और मेन मेड आइलैंड बना रही है। इसका नाम जुमेरा बे आइलैंड दिया गया है। इसका डिजाइन एक सी हॉर्स से मिलती जुलती है। जुमेरा बे आइलैंड का काम लगभग कम्प्लीट कर लिया गया है, जिसमें यॉट, क्लब, अपार्टमेंट और एक 5-स्टार होटल भी शामिल है। नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील, जो अभी अमेरिका के लास वेगास में मौजूद है, दुबई बहुत जल्द उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। जी हाँ, दुबई मदीना पर दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट 210 मीटर लंबी है। इस व्हील पर टोटल 45 कैप्सूल्स हैं, जिस पर एक ही टाइम पर 1400 लोग दुबई का शानदार नजारा को देख सकेंगे। ये फेरिस व्हील इतना बड़ा और इतना ऊंचा है, इससे पूरी दुबई का नजारा देखा जा सकता है। ये बात तो तय है कि ये दुबई हर चीज को बड़ा बनाकर नंबर 1 होने का ताज अपने नाम करना चाहता है। इस फेरिस व्हील को बनाने में 2000 करोड़ का खर्चा आया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको दुबई के कौन से फीचर प्रोजेक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।